हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो फ़ोन है तो मोटो फ़ोन के कैमरा ऑप्शन पे आकर जो हमारे फ़ोन में पैनोरोमा कैमरा है तो पैनोरोमा कैमरा का यूज़ कैसे कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के जो आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं। इसमें से आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते ही हमारे फ़ोन के ऑल आइकन से अपने आते हैं। तो जो हमारे फ़ोन में पैनोरोमा कैमरा है इसका यूज़ कैसे करें, तो आपको क्लिक कर देना है कैमरा ऑप्शन पे। फिर हमारे फ़ोन का कैमरा इस तरीके से हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको क्लिक कर देना है मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है पैनोरामा कैमरा, ये आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इससे फ़ोटो शूट करते हैं जो हमारी फ़ोटो है कुछ तरीके से हमारे फ़ोन में शूट हो जाती है। जैसे हम फोटो शूट करने वाले हैं इस तरीके से हम उसको कितना वाइड करेंगे तो हमारी फ़ोटोज़ हैं, शायद हमारी फोटो शूट नहीं हुई है, दोबारा शूट कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने लंबे लॉन्ग टर्म में वीडियो फोटो शूट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जो हमारी फोटो इस तरीके से हमारे फ़ोन में शूट हो चुकी है तो इस पर फोन के कैमरे में जाकर पैनोरामा कैमरे का यूज़ कर सकते हैं अपने मोटो फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक